हेलो फ्रेंड्स, कायना किचन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मेरे घर में कुछ केले पड़े हुए थे, ये एकदम पक गए हैं, तो मैंने सोचा कुछ लाओ आज एक नई चीज़ ट्राई करती हूँ। ये मैंने केले ले लिए हैं और मैंने ये इसमें पानी गर्म होने के लिए रख लिया है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ झरना और मैं अब इस पे रख दूँगी केले। इसको थोड़ा सा मैं भाप दिलाऊँगी, केलों को पके तो होंगे थोड़ी देर के लिए, बस भाप 3 से 4 मिनट भाप दिलानी है। और अब मैं इसको ढक दूंगी। ये मैंने, मेरे पास गीला गुड़ पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने आधी कटोरी गुड़ ले लिया है। और ये थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी एक तार की चाशनी बनने के लिए। मैं रख दे रही हूँ, तब तक एक तार की चाशनी बन रही है। ये मैंने कढ़ाई रख ली, ले ली है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधी कटोरी आटा ले लिया है मैंने, इसको छान लिया था, इसको भूनूंगी। ये आटे को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है, अच्छे से भून जाए जब तक, मैं भून लूँगी इसको। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच रवा डाल दे रही हूँ, इसको भी मैं भून लूँगी। ये देखिए रवा और आटा अच्छे से भून गया है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। अब केले मेरे ठंडे हो गए हैं, अब मैं इसको मैश कर ले रही हूँ। केले देखिए मैं मैश कर ले रही हूँ। ये देखिए केले मैंने मैश कर लिए अच्छे से। केले को पूरा मैश कर लेना है, इसमें गुठली ना रह जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। अब मैंने जो गुड़ की एक तार की चाशनी बनाई है उसमें ये गुड़ ऐड कर ले रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। अब मैं इसमें थोड़े कटे हुए काजू ऐड कर रही हूँ, थोड़ा पिस्ता। अब मैंने प्लेट में घी लगा लिया है, अब मैं इसको जमने के लिए रख दूँगी। ये 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं जमने के लिए रख दूँगी। अब मैं इस पर बादाम गार्निश करने के लिए लगा दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार है। इसको मैं बस 1.5 से 2 घंटे के लिए जमने के लिए रख दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको कैसी लगी बताइएगा, केले की बर्फ़ी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले डिश के साथ। थैंक यू सो मच।